तो इस सरकार तक खुशी है कि मैं खुशी खूब है जी। क्या की राम मिला इसने मुख्यमंत्री ने बना देना जी से। अच्छा सीएम बनानो चाहिए खट्टे सुसो की मी को आओ ना तो फिर खुशी कड़ो ही खुशी आती को ना तो रामलास ना रायो खट्टो शपथ बम खट्टा थोड़ी राई गयो था तमे राय था ना खट्टा रायो काम को ना वोट खट्टा थोड़ी दिया था तमे दिया था वोट तो दिया पर काम तो कोई मानने को ना खट्टे नहीं माने ने सीएम बनो बनानो ची इलाब काम सीएम नहीं बनायो सकला इलाका का सीएम ना बने उन्हें काम कौन करया कौन कहा खट्टे वासी विधायक और रह गया फिर वह नहीं हो गया बहुत करो की है तो यही तो पूछ रहा हूं मैं छोड़ो और छोड़ो दुनिया की इंडिया की पूरी छोड़ो आपने सतनारे का विकास किसने किया ये बताइए आप इसमें तो जितने भी शुद्ध होए थे थैली के दूध हो जाए चाहे वो कितने भी भ्रष्टाचारी हो बीजेपी नाम मिलते ही जन उनका टैग लग जाएगा ये जन पवित्र पार्टी हो विधायक आए मैं झगड़े पूर्ण रूप से जिला भी नहीं बन पाया अभी तक क्या हमें एसपी के लिए डीसी के लिए नारनौर जाना पड़ता है चार चांद लग गया हूँ लोग नौकरी दे चांदने से बड़ो चांद के हो। हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल सजग संसार के अंदर। भाई फिलहाल महेंद्रगढ़ जिले के अंदर मौजूद हैं और सतनाड़ी शहर के अंदर हैं। आवागमन है लोगों का लेकिन हमारा जो सर्वे चल रहा है उस सर्वे के अकॉर्डिंग हम आज भिवानी जिले से हम महेंद्रगढ़ जिले के अंदर पहुँचे हैं। लोगों से बातचीत करेंगे कि भाई आखिरकार क्यों है ये कुछ गाँव के लोग हैं इनसे बातचीत कर लेते हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार 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 कैसे हैं? ठीक है बढ़िया ओके। और तहसील किसी चल रही है तारीख तहसील है उप तहसील है सतनाड़ी तहसील है। हाँ जी और तो उरे क्या फिलहाल को विधायक कौन है? विधायक है जी वैसे तो भूतपूर्व विधायक तो है रामविला शर्मा जी और अभी वर्तमान है कांग्रेस से रावदान सिंह जी। रावदान सिंह हाँ जी। तो कितना फर्क है इन दोनों के नेताओं के अंदर? दोनों नेताओं में कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है वैसे फर्क काफी है। रामविलास जी पावर में रहे बाकी ये गाँव पिछड़ा हुआ है कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पर हर नालों में पानी देख रहे हो आप नालियाँ टूटी पड़ी हुई हैं सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं। यहाँ मेन रोड है ये यहाँ पर आप देखिए मतलब इस मेन दिन और थोड़ा पानी मेन 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 हमारे खर्चे से ये नाले मेन रोड को ऊपर नाली देखो आप नाली देखो ना हमारे खर्चे से बनवाई नाले होने से क्या बात है वो पानी सारा निकल थोड़ा सा कैमरामैन से कहूंगा सारा विधायक निकले हूँ राके उस पानी का भी समाधान हमने हमारे खर्चे से करवाए इस नाले के अंदर क्या बात है मतलब योल को यो रोल है सारा चोर से बिल्कुल मतलब सारा चोर रावदान सिंह को तो नुका है नाम है नहीं रावदान सिंह जब पावर में थे जब भूपेंद्र जी हुड्डा हमारे हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे उस समय रावदान सिंह ने काफी काम करवाया बिल्कुल प्रशंसनीय है। रामविलास जी हैं ये तो शिक्षा मंत्री रहे हैं कई विभाग रह लिए विभाग भी रहे मुख्यमंत्री के दावेदार थे यहां पर कुछ नहीं किया इतना पीछे रखा बिल्कुल इतना पीछे रखा पिछड़ गया ये आज तक कितने विधायक आए मैं झगड़े पूर्ण रूप से जिला भी नहीं बन पाया अभी तक कि हमें एसपी के लिए डीसी के लिए नारनौर जाना पड़ता है। सबसे बड़ी बात ये भी है हमारी मांग है ये सारी नाले का जो समाधान है सभी दुकानदारों ने मिलकर करवाया है सारी सरकार जाली बीजेपी भी जाली रैली कांग्रेस भी रैली हाँ पानी को समाधान ये सारा भैया ने मिलके अरे आप आपको थोड़ा बहुत नालो बनवाए मतलब अगर बारिश बुरी आ जाए तो भाई फिर समस्या बारिश आ जाए तो भाई फिर हमारी साफ कर लेना यार भी बारिश तो ये अंकल जी नाम राम ये रुक जाए राम राम बुरे से जो तो इस हलकम कुछ ऐसी चीज आई है जिससे आप गौरवित कह सका कि भाई हाँ हमारे हलकम कोई विधायक आए उसने काम करे हुआ भाई कांग्रेस हुआ है तो कांग्रेस सब की में ये तो बताओ सर की में कॉलेज ब्लॉक तहसील सारी चीज हॉस्पिटल अच्छा कांग्रेस अब बीजेपी में किमे को है किमे को है आदि राम राम और ठीक हो ठीक है तो नु कह है अन कांग्रेस काम करवाए तो बीजेपी ने काम कौन करवायो काम तो सारा ही कराम है बीजेपी के नाव थोड़ी है तो कोई सो काम जिस तरह हलकम चार चांद लग गया हूं लोगा नौकरी दे चांदने से बड़ो चांद के होगो नौकरी लोगन कर देती बेरोजगारी हरियाणा में सब तो नंबर 1 है बेरोजगार ना ना हरियाणा में तो है नहीं सारा रोटी खा दाप के भाई रोटी तो सारा खरे बढ़िया दाप के हैं रोटी पहली खाया करता दूसरा प्रांत मैंने कहां मांग के लाया दूसरा प्रांत देखा तो सबसे बढ़िया है हरियाणा बेरोजगारी नंबर 1 है आपने ना ना नहीं है ना ना मैं सारा देश में हरियाणा प्रदेश में नंबर 1 था लेकिन बेरोजगारी में नंबर 1 नहीं नहीं आप हरियाणा में 13,000 नौकरियों के लिए 10,00,000 बंदे मेरी बात फार्म भर के पेपर दे रहे हैं यूं कोई बोलने से राजस्थान का आदिवासी क्षेत्र में जाओ गुजरात का आदिवासी क्षेत्र में जाओ वो तो 10 साल पहले भी शाही था वह 10 साल पहले भी शाही था और वह तो आज भी शाही है अन्ना दोष मत दो बीजेपी और कांग्रेस ने एक्चुअल मुद्दा पर आओ कि करूं की है तो यही तो पूछ रहा हूं मैं छोड़ो और छोड़ो दुनिया की इंडिया की पूरी छोड़ो आपने सतनाड़ी का विकास किसने किया ये बताइए आप बस सतनाड़ी में आज जो
जमीन रेट हो रहे हैं, सब तालीम जो भी बनी है सस्ता तो किसने करवाई? रेट तो गुड़गांव में पान हो रहे हैं, गुड़गांव जमीन बिकी ने उसके पान तो अपने इलाकों जी रहे हैं। हाँ तो वो तो जमीन बेची वो उड़ा गया है, जमीन का रेट बढ़ा दिया और है की बात बस है। और दोस्त कहने मध्य कांग्रेस ने दोस्त आप तम न कर इसको मैं सरकार नहीं दांगा दोस्त, सरकार नहीं तो दियो जागो, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो चाहे वो कहीं की हो, क्षेत्र का जो एमएलए है ना वो दोनों भ्रष्ट। अच्छा बस एमएलए जो इलाका को सही होगो वहाँ विकास होगा। अब की बार फिर अगर दोनों भ्रष्ट तो तीसरी पार्टी को नहीं रहना, तो तीसरी आओगी और क्या होगा, कौन सी ले आओगा तीसरी? अभी कहा ले आओ संदीप एस डी एम ने। अच्छा निर्दलीय यो भी कुर्सी में जाई बैठ जाओ, पार्टी कैंडिडेट तो अच्छा है जी। अच्छा कैंडिडेट अच्छा है और धरातल पे बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, मतलब संदीप एसडीएम ने काम मतलब उसने जो पावर में तो नहीं रहे, लेकिन एसडीएम रहते दुख सुख में सबका साथी तो है, तो ऐसे कैंडिडेट से तो होप की जा सकती है भाई आने वाले टाइम में कुछ अच्छा काम करेगा, अच्छा काम करेगा। और बीजेपी में तो जितने भी शुद्ध होए थेली के दूध हो जाए चाहे वो कितने भी भ्रष्टाचारी हो, बीजेपी नाम मिलते ही जन उनका टैग लग जाएगी ये जन पवित्र पार्टी होगी। देखो पानी की समस्या बोले लोग, पानी की समस्या को एक्चुअल मुद्दों के है कि जो ठेकेदार नियुक्त करे हैं वह 0/0, उनने क्या ये बात को ज्ञान नहीं, ठेकेदारी कन मिला फिर आपने जो उनका उनका बिल्कुल निजी हो उन्हीं मिला है ना, ना ये कोई टेंडर भरो आप, टेंडर भरो आपने मिल जाएगी ठेकेदारी, जो जो लो रेट होगा उस टेंडर ले जाएगा, लेकिन कम से कम ये तो देखो कि जीरो कॉस्ट में भर दो सबने मिल जाएगी। गांव को लाइन ले लेके बाद में पानी निकाले जाया करे न की पूरा खाडो छोड़ दिया और मैन है तो सामने भी मैन है ना तो टेकड़ो क्यों छोड़ रहा है, क्यों काटो ने सड़ा निश्चित होकर दे जो मिले हो मैं तो करके थोड़ा सा आगे आएंगे आप। कहाँ से हैं आप? सतनाली से ही। तो क्या कहना चाहेंगे जो बीजेपी और मतलब कांग्रेस पार्टी का सबसे बेस्ट सरकार है? बेस्ट बताओ तो कैसे है? हमारी तरफ से बेस्ट है सरकारी नौकरी, 0-1 रुपये बिना दिए लाग रहे हैं टब्बर, बस अपन ये चाहिए और कुछ तो नहीं। एक बात बताओ, सरकारी नौकरी लाग रहे हैं बिना रुपया लाग रहे हैं, वह लागे कर देना है वह पहले भी लगे करता ना, जिसके अंदर जो पढ़ता था ना वो पहले भी लगता था, जो पढ़ता था आज लगता था। मूंगफली बेची ही, मूंगफली तो आज ही बेचे, बी आड़ो बेचारो रेडी लगा रहे अंडा की मूंगफली बेची है अगला अड्डा पे, जो आज भी चाह बेचते हैं मोदी खट्टरनों का है, चाह बेच रहे हैं प्लस टू करेड है, वे आज डी ग्रुप में बेचारे लाग रहे हैं संतुष्ट। 10 साल में 10,000 नौकरी लगा के आप नौमानों की नौकरी दे दी? नौकरी है नौकरी, 10 साल में 10,000 नौकरी दे दी, जेबीटी कर रखी किसी ने, 10 साल होगी जेबीटी की वैकेंसी को निकली, रोटी नहीं दी ना जिस घर में खाने रोटी नहीं दी उसका लड़का लगा, तो वो अच्छी बात है। वो आप कह रहे हैं कि 10 साल में 10,000 नौकरी दे दी, बेरोजगार पैदा कितने हुए आपको ये पता है? बेरोजगार नहीं चलती रही तो इसमें वो कोई बड़ी नहीं, नौकरी दी नौकरी लग गया आप, आपकी जायज है भाई, आज गरीब व्यक्ति को हर बंदा नौकरी थोड़ी मिलेगी, तो 10 साल में 10,000 के रेशियो है, ना हर बंदा नौकरी नहीं मिलेगी, 2,02,00,000 नौकरी कह की आज के मतलब दिन 10 किसी भी घर में जाके देखो नौकरी सब घर में नौकरी क्या मतलब 10 साम जावांगा जी तीन 50% नौकरी है आज के दिन गरीब तो लग गया तो कोनी 10,000 ग्रुप डी की वैकेंसी ई बैक बताओ आप ई 13,000 निकाल दी, कितना बंदा पेपर दिया था? 7 लाख कुछ दिया था मतलब 7 लाख नहीं 8 लाख प्लस थे, उसमें से 13,000 भर्ती करेंगे, 13,000 को 60,000 भर्ती करेंगे। आज का न्यूज पढ़ के देखो आप, कल की स्टेटमेंट खट्टर की, किसकी खट्टर की स्टेटमेंट देखो, लोकसभा चुनाव से पहले 60,000 बंदे हम नौकरी ज्वाइन करवाएंगे, कहने से नहीं स्टेटमेंट, एक अपना राज्य का मुखिया स्टेटमेंट करे वो कोई छोटी स्टेटमेंट तो करेगा नहीं, सही है गलत है? 10 साल हो गए वो स्टेटमेंट, ये गलत बात है जी। चलो देखो एक चीज बताओ, सुनो सुनो, पहली मार है ना कांग्रेस के राज में, जे अगर कोई मान लो वाटर सप्लाई है और उसमें ड्राइवर चाहिए गाड़ी मतलब मोटर चलाने के लिए, जिसमें ड्राइवर बोल रहे हैं वो ड्राइवर कितको है अगर तो रोहतक को, क्योंकि इलाका मर गया था जामण से आएगी थी ये लुगाई उराई की, ये लुगाई जामण से रहेगी वो तो बता दो, मैं उठा सा आवे चाल के उरे उरे लागे हैं मारे लुगाई जामण से रहेगी, ये बात करो आप, मैं बताऊँ सारी खोल दूँ पोल में एक एक सारी पोल है कुछ भी को नहीं, दाम दे दो उनका तो 700 की महाराज फ्री का वहाँ लग रहे हैं मजा आ रहा है सबने, हमारा गाँव इतनी नौकरी लगी है अच्छे ज्यादा लागे दाम, दाम की बात है भाई कुछ लोग, चलो और लोगों से हम बातचीत करते हैं, युवा हैं ये उनसे पूछने जी भाई साहब नमस्कार कैसे हो? बढ़िया कोचिंग में जाके हां सर। तो कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? हम सर 1-1.5 साल से कर रहे हैं। कौन सी चीज की तैयारी कर रहे हो? ये सर यूपी पुलिस की कर रहे हैं, अब जो फार्म भरा है यूपी में क्यों जाओ हरियाणा में कौन निकले
वैकेंसी लीकड़ है तो है सर तो ये मतलब फार्म इस चीज का भर रखा है और एससी जीडी का भी भर रखा है। अच्छा हरियाणा ग्रुप डी का दिया था? हाँ दिया था सर। तो क्या रहा उसमें? उसमें सर नंबर थोड़े ही बने सर, थोड़े ही बने। अरे देखिए थोड़ा होगा इसके ऊपर। हाँ भाई साहब, भाई साहब नमस्कार। क्या बढ़िया, किस चीज की तैयारी कर रहे हो? बस एसएससी जीडी और अभी हरियाणा पुलिस की भर्ती जो आने वाले है उसके। कितने सालों से तैयारी कर रहे हो? मैं 3 या 4 साल। हरियाणा में खट्टर सरकार के ऊपर विश्वास है? विश्वास हाँ, अगर भर्ती पूरी करवाओगे तो हो जाऊंगे। तो 10 साल होगी लगातार सरकार है, कोई न कोई भर्ती कदे कोर्ट में खड़ी पावा है कि उसको ऊपर सटे लग जाए है। हाँ या तो हरियाणा मेन समस्या है ही, हर भर्ती के ऊपर कोर्ट केस हो है। तो ये मतलब जो चुनाव होंगे उससे पहले खट्टर कहे कि भर्ती कराऊंगा, तो उसमें मतलब के लग रहे हो है कि आप अपना नंबर आ जाओ? हाँ आ जाओ भाई, ग्रुप डी में या सी डी में। चलो अभी कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे हम थोड़ा सा, क्योंकि बस स्टैंड है यहाँ पे और आवागमन है लोगों का, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करें। अभी फ़िलहाल हम हैं सतनाली के अंदर और भाई जाइए, कुछ युवा साथी और खड़े हुए हैं, बैग टंगे हैं शायद कहीं ना कहीं। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? मैं तो जी बीटेक कर रहा हूँ। हैं बीटेक? बीटेक कर रहे हो फिलहाल? अच्छा, तो बेरोजगारी के बारे में, रोजगार के बारे में क्या कहना? हरियाणा को, हरियाणा में बेरोजगारी बहुत ही है भाई, बहुत ज़्यादा है। कोई फार्म फॉर्म भरया करोगे? नहीं मैं तो राजस्थान से, नहीं फार्म नहीं भरता मैं तो। और लोगों से बातचीत कर ले। जी नमस्कार अंकल जी। नमस्कार, और कैसे हो? ठीक हो? बहुत ठीक। कहाँ से हो? मैं राजस्थान। अच्छा राजस्थान तक? हाँ। चलो और आदमी बैठे हैं उनसे बातचीत। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी, क्या हाल चाल है? भाई ठीक है भाव जी। कहाँ से हो? फलाना से हूँ। फलाना? हाँ। महेंद्रगढ़ जिले में पड़े? हाँ महेंद्रगढ़ जिला में। तो इस सरकार तक खुशी है कि मैं? खुशी खूब है जी। क्या की? रामला इसने मुख्यमंत्री ने बना जनना जी से। अच्छा सीएम बनानो चाहिए? बनानो चाहिए तो खट्टे सुसो की में को आओ ना। तो फिर खुशी कड़ हुई? खुशी आती को ना? तो ये बदू ना। हां कुटी नहीं खट्टर, कुछ नहीं कवाया महेंद्रगढ़ में। रामविलास ने खट्टर हरायो, कोई तो नू कह कि भाई जनता ना रायो, लेकिन यू नू कह कि खट्टर ना रायो। और लोग और से बातचीत कर लें। जी नमस्कार। नमस्ते जी, कैसे हैं? बस बढ़िया। कौन से गांव था वो? सतनाली। तो सतनाली को विकास? कोई विकास नहीं है, सामने है देखो। ये तो विकास भी बढ़िया है। इससे बढ़िया विकास और क्या? वही तो पूरे का फिलहाल का जो विधायक है वह विपक्ष में है और पीछे पावर में रहा रामविलास शर्मा, लेकिन सत्ता में कौन रहा सतनाली के अंदर? आज से 2 साल पहले रोड टूटे थे। अच्छा। वैसे के वैसे है, घर से निकलना मुश्किल हो रहा है सतनाली में। हमारा डेली का काम है आना जाना, लेकिन हर सवारी को हमको कितनी दिक्कत हो रही देखो। ये विकास के काम है, बारिश का टाइम आ जाए तो एक पानी बारिश को गए, ये गंदे नाले रोक दिए, गंदे नाले रोक लोगों ने और पंचायत इनको खुलवा नहीं रही। मतलब पानी भी बेचारो किए करा है मजबूरी रोड पर आ गया, नाला तो बंद कर दिया। तो नाला इनकी वो है ने पंचायत की और इससे बड़े अध्यक्ष है उनकी वो है ने भाई, क्यों बन रहे खुलवाओ इनको। अब जिसकी दुकान है मन मर्जी से वो अपने तरफ से क्या करेंगे, लेकिन अपना तो आम जी। राम राम। जो फैमिली आईडी बना रखी है जानो के? फैमिली आईडी के बारे में जानो? राशन मिला है? कड़ा का हो तो अलग से बना रखी है, अलग से फैमिली आईडी सबकी बन रही है। मन ने कोई विरोध से करा को तो अनपढ़ सो जी गबलो फैमिली आईडी के यहां ओ मुझे जायज थी उनकी बने नहीं रही, अब जो नहीं ना जायज उनकी बन रही है। जो जैसे दिल्ली पुलिस में जो सर्विस कर रहे हैं ऑन सर्विस, उनकी फैमिली आईडी बन रही है, उनकी 1 लाख से नीचे इनकम दिखा रखी है। चलो भाई कुछ और लोगों से बातचीत कर ले हम। भाई जी राम राम। अरे भैया सिस्टर राम राम भैया, बढ़िया भाई। तो रोजगार बेरोजगारी के बारे में थोड़ी सी बात कर ले। ये सरकार
कितनी कामगार है रोजगार सरकार तो भाई मेरा आइडिया थे तो सही से सही है सही से भाई मतलब क्या चीज की तैयारी कर रहे हो भाई मैं तो फिलहाल जॉब पर से जॉब पर हो फिलहाल फिर तो कुछ बोल कौन सा काफी चलो भैया तारो राज मतलब महेंद्रगढ़ जिलो है ना टॉप पर है विकास के बारे में तो इसकी थोड़ी सी टॉप पर है आप लोगों को कहना है अच्छा अच्छा चलो बहुत बढ़िया तो आप बताओ मतलब इस एरियम के कुछ इस चीज है जिस तरह सीनो चढ़ो हुआ कि हमारा विधायक ने काम करे हुआ है ठीक है काम होने लग रहा है गरीबा नौकरी मिलने लग रही है भाई बिना पैसा और के चाहिए पब्लिक ने बिना पैसा नौकरी मिले बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा भाई गवर्नमेंट नौकरी छोड़ी को नहीं भाई सरकार ने जो बालक पॉलिटेक्निक करे है यू मान लो पढ़ा है बाप बाप गुट्ठो टेक के बालक ने पढ़ावे ही सरकार ने नौकरी छोड़े को रखी वो तो 700 रुपया की तो दिहाड़ी करो 400-500 रुपया नौकरी की छी पढ़नो पढ़ने पढ़ी तो बालक छी लेकिन नौकरी की छी तो ये बात सही है पढ़नो तो पड़ेगा जब आप के पढ़ना तो पड़ेगा लेकिन भाई 10 में तो 3 नौकरी निकले हैं हां 3 नौकरी निकले नौकरी सी की तो भाई बड़ी बड़ी नौकरियां 12 करोड़ का बैठा दियो बट्ठो बैठा दियो सरकार ने देश को इफ जो बालक प्लस टू कराए मां बाप गुट्ठा टेक के उन बालकन पढ़ावे ही और उन बालकन रोजगार है को नहीं यार 800-800 रुपया में कितने मिस्त्री गल जाके ईट लगावे ही मजदूरी करी हम जानकारी हमने मिलेगी तब जी राम राम और ठीक ठाक सो के ठीक राम राम ठीक राम राम दल जी राम राम भाई राम राम तो अखबार में तो खास खबर आ रही है कि युवा खातर जो कैस काम भाई यहाँ आज के में नहीं हुआ है वो युवा तो कति बर्बादी का राह पर से किसका युवा है आज का युवा बर्बादी का राह पर से बर्बादी पर राह पर क्यों है मतलब मेरे को सारा दिन तो हां को गड़ा गड़ो का खच्चे की बाग है तो सारा दिन आवरा गिरती है अच्छा पढ़ना को नहीं उन्हें ना मतलब नहीं तो आप आओ सरी देखो सरी बसा टाइम पा का के देखो मतलब अंध का अंधेरा में रखे हैं बिल्कुल बिल्कुल माँ बाप ने अंधेरा में रखे हैं भाई देख लो भाई जो युवा साथी इस वीडियो देखना रहे हो ताई जो बात बताओ है वह कहीं ना कहीं 80% सत्य आपकी बात कि भाई ओका आज को फैशन बना दियो लेकिन वो फैशन को नहीं वो बुढ़ापा में जाके बिल्कुल बिल्कुल ये युवा से ने माँ बाप के लिया बत लिया पैसा और चोरी करे सारा दिन अंडा बट्टी करे चलो कि मैं मतलब चुनाव आऊंगा उन चुनाव की थोड़ी बातचीत कर लें आप तो इब फिलहाल को जोरे को विधायक है या विपक्ष की बात करा कई दावेदारी ठोकर लग रहे हैं किसने प्रमोट करो हो कौन से काम अच्छे करे 22 देखो मारी ओर तो सारा बढ़िया से कोहे आ जाओ कोहे आ जाओ अपना उतरा है पिछनो है अपनी ओर चाकी चाल वाह चाकी चाल नहीं अपनी ओर तो मतलब काम जिसका होना है उसका तो हां हां पर्सनल भाई न्यूज है कोई भी हमें ले आ जाओ उनका कह 10 से ने तो वह को 10 में 11 मान तो जुड़न को दी वोट पड़ी जहां 10 और यह भी तो है वह 10 आज जिस पार्टी में है अगले दिन वो बदली पाओगे पार्टी रुपए 10 गैल पाऊंगा अरनू गंगा नई पार्टी को नए विधायक आगे आदमी पुराना है बिल्कुल 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 क्यों है और नए आदमी गरीब था बात चीज पहले भी कौन पूछी रही भाई साहब मिलन मान लो इलेक्शन में जावा ना मिलनो चाहवा तो भी धक्का मार के दूंगा कह दो आप बता दे ई बुला ले आऊंगा ई बुला ले आऊंगा अरे हां हां गरीब खूब जाऊंगा जियो है शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा तो हो रहे हैं जिनको शिक्षा किसी चीज लेके आया जिस तरह भाई नुका इस काम भाई बालक चलो उनका तरह अच्छी हो कोई चीज भाई देखो कोई चीज को ध्यान ध्यान को नहीं देखी झूठी सच्ची कहो रंदे काट दी क्या की मतलब विकास की के सब में गेंद की काट दी क्या बात है बात कह दी आपने पतों को कौन होगा मैं आपको मैं तो लुहारू को हूँ तो आपने बेरोए से मिलने नहीं रहे हैं जित खूब काम करे है लोग जांग हंस धड़ा धड़ हां तो मतलब भी हां मिलने नहीं आ रही जात पर नहीं जी काम तो जाना पढ़नो तो चाहिए पर न्यूज़ भाई लोग का पर बाकी अब मिलने पर जा जी थोड़ा हां समझ में ना हो दिक्कत हो जाए यूं हो जाए युवा पीढ़ी का संपर्क कर ना हो जाए हां ना यह बात तो है और आदमी तो ठीक है पुराना काम कम करने में स्वभाव बढ़िया अच्छा स्वभाव बढ़िया अच्छा तो पद्मा खान चलो द्राव दान सिंह कांग्रेस तो हो गया आपको हां और ये बीजेपी तो हो गया और एक एसडीएम जी है निर्दलीय तैयारी कर रहे हैं जिसने पीछे भी आपका था भाई बहुत बढ़िया विचार सिख उसका जो निर्दलीय कैंडिडेट पिछली बार भी उठा था एकदम बढ़िया विचार है जोर का जबरदस्त बढ़िया मतलब सारी तरह आप चले जाओ मैं चले जाओ वैसा ही व्यवहार आपके साथ वैसा ही मेरे चाहिए जानकार वैसा ही उसी के साथ सबके साथ बढ़िया मिले हो आप खूब
जाना है भी जानकारी। मतलब अगर इस तरह का आदमी जो सरकारी महकमे में होते आते हैं उन्हें पता हुआ है कि किस तरह कड़ा घोटाला उसका है और वह छोड़ के अगर सिस्टम आवे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सोच ये हो सकती है कि उस सिस्टम को इतनी बढ़िया सोच है भाई साहब, पूछो ही मत। या तो हम बताओ 2022 डीएम था ने जे हम तो जद मिलनो सीखे तो भैया एस डीएम तो आम आदमी मिल सके। हम तो 2000 मान का पार्ले जी खान लगे थे, फिर उन्होंने की कंपनी घर की थी, जाइड आई भाई चाक पानी हम तो खाखा चिग रहा पड़ता होगा। बाकी एस डी एम जी है या फिर आपके पूर्व शिक्षा मंत्री हैं राव दान सिंह है, बढ़िया आदमी है, बुजुर्ग आदमी से हमने तो अच्छा पिछाड़ा पंडित जी शरीफ आदमी काम तो नहीं है भाई। ताऊ का भीतर कोई बात पाओगी बताओ कौन ताऊ बात ठीक है भाई यार राण दे ठीक है। चलो भी देखो सबके अलग अलग विचार हैं, आप लोगों के भी विचार सोच है और जिस व्यक्ति के साथ जैसा बर्ताव होता है वो व्यक्ति बताए बीघा भाई। तो अगली वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे आपके साथ भाई, तब तक के लिए धन्यवाद शुक्रिया जय हिंद जय भारत।